मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अपना कोई भी शो अगर करते हैं, लोग उसको प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमारी किसी एक बात के लिए और किसी अच्छे कॉज के लिए अगर हम लोग कुछ बोलते हैं और पब्लिक उसको फॉलो करती है, सो 10 लोग भी अगर मेरे कहने पे अगर ये काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने काम में मैं संपूर्ण हुआ। और स्पेशली मैं भामला फाउंडेशन, आसिफ भाई, उन्होंने ये इनिशिएटिव हमेशा हर साल ये करते हैं, और जितने भी हमारी इंडस्ट्री के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से सचिन तेंदुलकर साहब हैं, वो आए इस फाउंडेशन के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए जो ये मुहिम चलाई जा रही है, सब लोग इसके लिए साथ दे रहे हैं, बिकॉज एक अच्छी चीज़ है। सबको पता है कि हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी। सो मुझे लगता है कि हर कोई इसके साथ जुड़ना चाहता है, और यही कारण था कि आज मैं भी यहाँ पे आया। सो उम्मीद है कि लोग अवेयरनेस आनी चाहिए, शुरुआत कोई ना कोई तो करेगा ही। सो मुझे लगता है कि सिर्फ एक आदमी के करने से नहीं होगा, ये इंडिविजुअली हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इसको सीरियसली लें। नहीं, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं सीरियसली हुआ था, वो मजाक नहीं था। सो अब एक एक इमेज बन जाती है, लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हंसी वाली बात करूं। सो मैं कोई सीरियस मुद्दे को भी उठाता हूं तो पहले मैं थोड़ा हंसी मजाक करता हूं और फिर अपनी बात रखता हूं। सो ये लोगों का प्यार है और लोग इसी वजह से मैं जाना भी जाता हूं। सो सीरियस मैं हूं, ऐसी बात नहीं, और बहुत ज़्यादा सीरियस हूं। सर, मुझे लगता है कि मुंबई में ज़मीन की कमी है, लेकिन हम लोग चाहें, जैसे हम लोग ये सरकारी पार्क अगर देखते हैं हम लोग, तो सिर्फ सरकार के ही सर पे अगर हम लोग छोड़ देंगे, यही करेंगे तो करेंगे, आप आके यहाँ पे कोई पौधा लगा दो तो कोई मना तो करेगा नहीं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप। सो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए लोगों को। बामला फाउंडेशन जो काम कर रहा है और आसिफ भाई जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। अगर हम सब भी इनकी तरह 1% सोचे तो हमारा देश पर्यावरण में बहुत बहुत बदलाव आ सकता है। पानी बचाना, जिस तरह से पेड़ पौधों का ख्याल रखना, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से हमारे देश में, हमारे शहर में तो वैसे ही ऑक्सीजन बहुत कम है, ऋषि भी गांव में यहाँ वहाँ तो मिल जाता है। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन जो कर रहा है बामला फाउंडेशन, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे हिसाब से तो, और मैं भी इंशाल्लाह इनका सपोर्ट करूँगा हमेशा। अभी इन दिनों कुछ अच्छा हो रहा है, अभी एक नई फिल्म कर रहा हूँ लव डे, और इंशाल्लाह सलमान भाई के साथ भी कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। दिस इज द फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर बामला फाउंडेशन इज डूइंग अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज जागतिक पर्यावरण दिवस है और विश्व के हर कोने में आज लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जैसे हर मजहब के लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, मुझे लग रहा है हमें अपनी मातृभूमि, अपनी मदर इंडिया के लिए या मदर प्लैनेट के लिए ये दिन इजाद करके इस दिन हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना चाहिए। अरे करना चाहिए यार, इट्स इम्पोर्टेंट। आई थिंक इतने सारे यहाँ पे जो लोग आए हैं, ऑल दीज यंगस्टर्स, आई थिंक दे सो कूल यार, जो यहाँ पे अपना मतलब कम आउट फॉर एनवायरनमेंट डे। हजारों की भीड़ में लोग आए हैं यहाँ पर, शाम को गर्मी है, दे हियर, दे रॉकिंग, दे पार्टिंग, दे शोइंग दैट you know the environment matters to them, and that's something that's so nice yaar, achhi baat hai. Yeah, it's a very important day for all of us. We have to realize we're just one planet floating around, and we have nowhere to go, and for our future we have to look at sustainable development, sustainable growth. And I'm really thankful to Asif ji for organizing this event. As a green warrior, I'm doing my part. I hope all of us do our part. एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छे इनिशिएटिव से हम सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं शायद हमारी बात थोड़ी सुन लेते हैं, तो अच्छा लग रहा है। इनको यही बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तेरे बिन लादेन पार्ट 2 मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैंने फिल्म रैप कर दी है और एक गाना शूट करना बाकी है, जल्दी वो भी हो जाएगा।
For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.